उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार के दौरान 250 फरियादियों से मिलकर उनकी फरियाद को सुना। इस दौरान एक ही जमीन का प्रकरण लेकर पहुंची कई महिलाओं से शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि इस कथित भू माफियाओं को गिरफ्तार करें जिसने इन लोगों को योजना के तहत जनता दर्शन में भेजा है। सीएम के निर्देश पर पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि रविवार को जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन के बाद गौशाला गए, गायों को गुड़ व बिस्कुट खिलाया। वहां से निकले तो हिंदू सेवाश्रम पहुंचे जहां जनता दरबार लगा था। जनता दरबार में कुर्सियों पर बैठे फरियादी उनका इंतजार कर रहे थे। सीएम एक एक फरियादियों से मिलना शुरू किए। इस दौरान कुछ महिला और फिर कुछ पुरुषों से एक जैसे ही आवेदन मिलने पर सीएम नाराज हो गए और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीएम विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आप बताएं कहाँ से आए? आप बताएं जमीन विभाग में है। कहाँ का मामला है? महाराजगंज का मामला है। कार्रवाई क्या बात है? देवरिया का मामला है। देवरिया का मामला है। क्या मामला है? सवाल ये कि अब देखिए इसमें जिस समय कैंप लग रहे हैं उस कैंप में जाकर उसका समाधान कर रहे हैं। कार्रवाई हो जाती है, कार्रवाई करो तब क्या बात है? देखो कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी?